पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से परेशान लोगों का ध्यान अब ज़्यादातर इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जा रहा है, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने एक ऐसी बाइक बनाई है जिसे न फिर कभी आपको जीवन में चार्ज करना पड़ेगा, न जिसमें कभी जीवन में पेट्रोल या फिर डीजल भरवा कर चलाना पड़ेगा। बस एक बार बाइक खरीदिए और जीवन भर चलाते रहिए, फ्री में, कुछ भी नहीं करना है, ना चार्ज करवाना है ना कुछ करना है। ये जो आप बाइक देख रहे हैं जिस पर हम इस वक्त बैठे हैं, इस बाइक को कामदेव ने डिज़ाइन किया है। आप देख सकते हैं कि ये मेड इन झारखंड ये बाइक है, पहला बाइक है झारखंड में बना जो इलेक्ट्रिक बाइक है, आप देख सकते हैं। और इस इलेक्ट्रिक बाइक को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चला चुके हैं और कामदेव को इसके लिए वह सराहा भी चुके हैं। सब कुछ है इसमें, आप देखिए, ये आप अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर मीटर है जो दिखा रहा है कि बैटरी कितना चार्ज है, कितना किलोमीटर अब तक चल चुका है, और जो स्पीड है वो भी दिखाएगा। ये हॉर्न हो गया, ये लाइट का बटन हो गया, और ये एस्केलेटर हो गया, और ये दोनों ब्रेक हो गया। लुकिंग ग्लास है, बकायदा जिस तरह से एक स्कूटी या फिर बाइक होती है उसी तरह इसे डिजाइन किया गया है। लेकिन अब इसके अगले प्रोजेक्ट पर कामदेव काम कर रहे हैं और काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। कामदेव, क्या है अगला प्रोजेक्ट? जैसे कि आप लोग ने इससे पहले वाले वीडियो देखे हैं मैंने, उसमें स्कूटर बनाए थे, इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि एक तरह इलेक्ट्रिक स्कूटर तो काफ़ी सारे निकल चुके हैं मार्केट में, लेकिन ये थोड़ा हटके हैं। ये क्या है ना, पैडल मारने से चार्ज हो जाता था बैटरी, ठीक है, और साथ ही साथ अगर कहीं पे बैटरी ख़त्म भी हो जाता था तो आप अपना जो है अपना मंजिल तक पैडल मार के भी अपना आ सकते हैं। और अब भी उसके बाद मैंने लगे हैं 8-9 महीना लगे हैं, जो आपको कभी चार्ज करना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा। तो कैसा लगेगा, क्योंकि जो इस तरह बाइक जो रहेगी उसमें कभी चार्ज ही नहीं करना पड़ेगा, पैडल भी नहीं मारना है। जी जी नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट हम लोग एक उसके लिए एक मैं डिजाइन दूंगा, जैसे बाइक भी बनेगी और स्कूटर भी बनेगी, उसमें क्या है ना, वो आपका कभी चार्ज ही नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, आप लीजिए, चाबी ऑन कीजिए और चलते रहिए, फ्री में पेट्रोल वेट्रोल कोई पेट्रोल नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं और कोई सोलर सिस्टम नहीं। कैसे चलेगी ये इसमें कुछ डायनामो टाइप का लगे हैं, जैसे कि बाइक्स में, कार्स में आप लोग जानते हैं जो हमारा नॉर्मल बैटरी चार्ज करता है, उसी तरह का इसमें मान लीजिए एक डायनामो लगाए हैं हम लोग, जो हम लोग का इसमें बैटरी है, ऐसा बात नहीं बैटरी नहीं रहेगा, बैटरी होगा, लेकिन बैटरी को चार्ज करने के लिए वो जैसे ही गाड़ी चलेगा वो बैटरी भी चार्ज हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये इस तरह का होगा। तो ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो चुका है? ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन इसका अभी तक कोई डिजाइन नहीं दिए हैं, जो कि बहुत जल्द आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। इसकी कीमत कितनी होगी, डिजाइन कैसा, स्कूटी जैसा कीजिएगा या बाइक जैसा डिजाइन? सबसे पहले तो स्कूटर रहेगा, उसके बाद बाइक मॉडल बनेगी। स्कूटर रहेगा, बाइक मॉडल, मतलब क्या होगा? दोनों, एक स्कूटर स्कूटी जैसा जो नॉर्मल लेडीज लोग के लिए माना जाता है, और जो है बाइक, आप जानते हैं बहुत कोई राइडर भी है क्योंकि बाइक पसंद करते हैं, बहुत कोई क्या है ना स्कूटी पसंद नहीं करते, तो हम लोग क्या है ना बाइक में भी वो डिजाइन देंगे। मतलब कि वो खरीदना है आपसे और बस जीवन भर चलाते जाना है? बस जैसे कि आप लोग जानते हैं, सर्विसिंग वगैरह भी नहीं करा? नहीं, कोई सर्विसिंग नहीं। जैसे कि आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आज जो हमारा टेक्नोलॉजी को देखते हुए, आज मैंने सभी मैंने मनुष्य के लिए, हम लोग के लिए हर चीज़ आसानी हो रही है। जैसे कि बहुत सारे कंपनी तो इलेक्ट्रिक गाड़ी निकाल रही है, लेकिन उसमें भी आपको जो है चार्ज करना पड़ रहा है, नहीं भी तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें आपको कुछ भी, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं, चाबी ऑन कीजिए, चलाइए, कोई झंझट ही नहीं। तो एक बार में कितना किलोमीटर चल सकता है ये? अगर ऐसे मैं बोलूं तो यहाँ से आप दिल्ली चले जा सकते हैं एक बार में। बिना कोई खर्चा के? बिना कोई खर्चा के दिल्ली से आ भी सकते हैं? आ भी सकते हैं, लेकिन आपको एक छोटा सा सर्विस करना होगा, जैसे कि इसमें क्या है ना, बहुत ज़्यादा हीट के कारण हम लोग इसमें हीट पेस्ट दिए हुए हैं, जैसे हम लोग का सीपीयू कैसा होता है, मदरबोर्ड सीपीयू, इसमें सीपीयू फ़ैन लगे हुए हैं उसको कूलिंग करने के लिए, लेकिन इसमें कोई ऐसे कूलिंग करने के लिए फ़ैन वगैरह नहीं लगे हैं, लेकिन इसमें हम कुछ एक लिक्विड है जो कि मैंने उसका एक सीमित होता है कि इतना किलोमीटर तक ये चल सकता है, जैसे 2000 किलोमीटर तक आप इसको चला सकते हैं, उसके बाद वो लिक्विड तो डालना पड़ेगा। अच्छा, मतलब 2000 के बाद, हर एक 2000 के बाद की लगातार 2000? नहीं, लगातार 2000 के बाद। और
ऐसे मान लीजिए हर दिन 100 किलोमीटर चला रहे हैं, तो कितना दिन तक बिना सर्विसिंग या कुछ भी किए चला? आप 7-8 महीना में एक बार अपना चेक कर सकते हैं। क्या है, आप अगर पहले ही डाल देते हैं उसके लिए आपका मैंने अच्छा हो जाएगा उसके लिए, समझे? आप पहले ही सर्विस कर लीजिएगा तो जस्ट वैसे। ये तो जितने लोग सुन रहे होंगे वो तो बड़ा एक्साइटेड हो जा रहे होंगे कि भाई मतलब 100 रुपये लीटर पेट्रोल जहाँ मिल रहा है वहाँ पर ऐसी बाइक आप बना रहे हैं कि जो ना पेट्रोल ना फिर इलेक्ट्रिक से चार्ज करना है ना सोलर से चार्ज करना है, ऐसे ही चलेगी। तो ये कब तक बाजार में आ जाए? ये सर आशा और उम्मीद करता हूँ कि अगले साल तक ये आ जाएगा मार्केट में, और ये आप लोग के लिए बहुत खुशी की बात होगा। आज टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग ऐसा चीज़ को मिल रहा है, तो आप लोग को बहुत जल्द इसको देखने के लिए मिलेगा मार्केट में। इसकी प्राइस कितनी होगी? ये प्राइस मैं अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं प्राइस आप लोग को ये बता दूंगा, ठीक है? 1 लाख से कम? हाँ, उससे कम ही रहेगा। 1 लाख से कम? कम ही रहेगा उससे। ये काफ़ी सुविधा देने वाली है आप लोग के लिए, तो एकदम दिल थाम के बैठे रहिए इंतज़ार में। आप लोग को ऐसा चीज़ आ रहा है जो दुनिया में आज तक कभी ना बनी हो। तो ये इसके लिए क्या लग रहा है कि कुछ फंड की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है? सरकार अगर कुछ चाहे तो आपके लिए कर सकती है? हाँ देखिए, मैं इसमें चाहता हूँ कि सरकार जो है इस मैंने प्रोजेक्ट को फंड के लिए जो है अपना ये करे, क्योंकि इसमें थोड़ा फंड की ज़रूरत है, बहुत मैंने ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि ये दुनिया में पहला होगा और ये पेटेंट कर लिए तो हमारा झारखंड का नाम एक बहुत बड़े स्तर पे आएगा हमारे इंडिया लेवल पे, और ये दुनिया के हर लोग जानेंगे। तो ये इसको लेकर किसी बड़ी कंपनी वगैरह से बात की? हाँ, बहुत सारी कंपनी हैं, इन्वेस्टर हैं जो जो कि हाँ चाह रहे हैं कि आप आइए और हम लोग इसमें जो है जितना भी पैसा हो इसमें फंड लगाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं उसे चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो झारखंड के गवर्नमेंट है, ठीक है, वो मदद करे और हमारा झारखंड का नाम हो, हमारा इंडिया का नाम हो वर्ल्ड में पूरा, मैं यही चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर यह बताना बेहद ज़रूरी है कि कामदेव जब ये बाइक बनाए थे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी वह मुलाकात किए थे, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी सवारी भी बकायदा की थी, और कामदेव की बहुत सराहना उन्होंने की थी कि झारखंड का बेटा जो है ये कारनामा कर दिखाया है कि इलेक्ट्रिक बाइक बना दिया है जो बाज़ार में उपलब्ध है। बाज़ार में नहीं, लेकिन कामदेव से संपर्क कर आप खरीद सकते हैं। अब वो चाहते हैं कि फिर से एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले और जो नया प्रोजेक्ट है, एक ऐसी बाइक जिसमें न कभी तेल भरवाना पड़ेगा न कभी चार्ज करवाना पड़ेगा, बस बैठिए और चलाइए और चलाते जाइए। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in